एडवर्ड वॉरन माइनी का जन्म 7 सितंबर 1926 ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में हुआ था और लॉरेन रीटा वॉरन का जन्म 31 जनवरी 1927 मोनरे कनेक्टिकट में। यह कपल फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे क्योंकि इन्होंने अपने पूरे जीवन चक्र में 10,000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस को इन्वेस्टिगेट किया था। इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो एडवर्ड एक वर्ल्ड वॉर टू का नेवी वेटरन था और साथ ही एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर जिसने अपना बचपन एक हॉन्टेड हाउस में गुजारा था, जिसके कारण से वो एक सेल्फ टॉट डिमोनोलॉजिस्ट, ऑथर और लेक्चरर बना। बात करें लोरेन की तो उनको 8 साल की ही उम्र से ह्यूमन ऑरा दिखता था, लेकिन इस बात को वो अपने घर में बताने से डरती थी कि उन पर कोई यकीन करेगा भी या फिर नहीं। जब वो 16 साल की हुई तब उनको मालूम चला कि ये ऑरा हमेशा अच्छा नहीं होता, बल्कि कुछ नेगेटिव और डार्क ऑरा भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एड और लोरेन की मुलाकात तब हुई जब वो 17 और 16 साल के थे। एड उस समय कॉलोनियल थिएटर में काम करते थे जो कि ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में था। इसके एक साल बाद इन दोनों ने शादी कर ली। एड ने वर्ल्ड वॉर टू में भी सर्व किया और फिर नेवी को उन्होंने छोड़ के एक आर्टिस्ट बनने का सोचा। पेरी आर्ट स्कूल में उन्होंने आर्ट सीखी और उसके बाद में घूमने फिरने निकल गए, जहां पर घूमते घूमते उन्होंने लोरेन के साथ में घोस्ट और स्पिरिट्स के बारे में कुछ काम करने का सोचा। एड का बचपन हॉन्टेड हाउस में ही गुजरा था और उसी की वजह से उसको इस काम में इंटरेस्ट आने लगा। एड जहां भी जाया करते थे वहां पर वो लोरेन को एक मीडियम या फिर एक ह्यूमन टॉर्च लाइट की तरह ले जाया करते थे, जिसका मतलब ये होता था कि जो डेड लोगों की स्पिरिट से कम्युनिकेट करके लिविंग पर्सन को बताया करती थी। अगर आज को देखें तो इस यंग कपल ने कभी भी उस वक्त ये नहीं सोचा होगा कि वो आज की डेट के लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनते। लेकिन बस इतना ही नहीं था, इन्होंने 1952 में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च ग्रुप भी बनाया, जो कि अमेरिका का सबसे पुराना घोस्ट हंटिंग ग्रुप है न्यू इंग्लैंड के अंदर। इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी जिसके अंदर कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और इनके पर्सनल केसेस के बारे में लिखा हुआ था। वॉरन्स का नाम सबसे ज्यादा एमिटेविल हॉन्टिंग से उछला था, जहां पर इनको कई लोगों ने फेक होने का भी किरदार दिया, पर इसके बारे में अंत में डिस्कशन जरूर करेंगे। इनकी जो सोसाइटी है उसमें मेडिकल डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, पुलिस ऑफिसर, नर्सेस और कॉलेज स्टूडेंट्स का भी इस्तेमाल अपने केसेस की हेल्प के लिए करते थे। इनके केसेस से इंस्पायर्ड होकर 17 फिल्म्स एमिटेविल हॉरर सीरीज में बनी है और 6 बन चुकी है कॉन्जरिंग यूनिवर्स की, जिसमें 7वीं पिक्चर यानी कि एनाबेल कम्स होम बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। मेरा तो पर्सनली यहाँ पर ये मानना है कि अगर ये दोनों नहीं होते तो कॉन्जरिंग यूनिवर्स आज नहीं होता। वॉरन्स ने खुद का एक प्राइवेट अकल्ट म्यूजियम भी ओपन किया, जहाँ पर इनके 10,000 से ज्यादा केसेस से कुछ ना कुछ चीज वहाँ पर रखी हुई है। और लोरेन का खुद ये कहना था कि इस अकल्ट म्यूजियम में जाने से वो खुद डरती हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी जगह कोई है तो यही है। यहाँ पर रोज एक प्रीस्ट आते हैं जो पूरे म्यूजियम में चक्कर लगाकर उसको पवित्र करते हैं ताकि बुरी शक्तियों का प्रभाव कम रहे। लेकिन इन सभी में से एक सबसे ज्यादा जो लोरेन को डराती है वो है एनाबेल डॉल। एक इंटरव्यू के दौरान अपने अकल्ट म्यूजियम को दिखाते हुए लोरेन ने ये बात कही थी कि इस डॉल की तरफ देखना भी नहीं चाहती और सबसे ज्यादा नफरत वो इस डॉल से करती है। इसकी तरफ बिना देखे ही बात की जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस डॉल को देखने या छूने से भी लोगों के साथ बहुत गलत गलत घटनाएं घटी हैं। I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done badly, bad harm on a lot of people. You have to conjure the spirits in order to get them. You know, you're not going to get them by just walking around here. And that's the one that's sort of depicted a little bit in this movie, correct? Yes, it is. Yeah. That's the Annabelle doll. लोरेन का ये कहना था कि एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान ने इस डॉल के केस को छूकर कुछ कह दिया था, तो उसका परिणाम ये निकला कि शाम को ही एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। हालांकि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर लोरेन का ऐसा मानना नहीं था। अब हम वॉरन्स के कुछ फेमस केसेस को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये दोनों ही हमारे बीच नहीं है। एड की मृत्यु 23 अगस्त 2006 में एक हार्ट अटैक के दौरान हो गई थी और उसके बाद से ही लोरेन ने भी इस काम से रिटायरमेंट ले ली थी, पर वो एक कंसल्टेंट के रूप में हमेशा अपने जूनियर्स के साथ रही। लोरेन वॉरन की मृत्यु हाल ही में 18 अप्रैल 2019 में हुई है। इन दोनों की आत्मा की शांति के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा। मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस। चलिए अब कुछ फेमस केसेस के बारे में हम देख लेते हैं जो वॉरन्स ने देखे या फिर सुलझाए थे।
एनाबेल एक ऐसी डॉल है जो कि सबसे ज्यादा शापित वस्तुओं में से एक है। वॉरेंस के हिसाब से एक डोना नाम की लड़की और उसकी रूममेट को ये डॉल प्रेजेंट में मिली थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद ही डॉल से कुछ अजीब सी वाइब्स आने लगी। जैसे जब वो घर पर आया करती थी तो उनको ये डॉल कभी भी अपनी रखी हुई जगह पर नहीं मिलती। जल्दी ही कुछ चिट्स घर में मिलने लगी, जैसे किसी बच्ची ने उनको कुछ लिखा हो। उस स्पिरिट से बात करने पर वो ये कहने लगे कि उसी बिल्डिंग में 7 साल की रहने वाली एनाबेल है वो, जो कि यही डॉल के अंदर रहने की परमिशन चाहती है। अब इनका एक दोस्त ल्यू वहां पर रहा तो इस डॉल ने उसको मारने की कोशिश की। रात को लू के सामने ये डॉल खड़ी हो गई। अगले दिन उठने पर लू की बॉडी पर खूब सारे निशान थे, जिससे वॉरेंस को बुलाया गया। वॉरेंस ने ये बताया कि डॉल पोजेस्ड कभी थी ही नहीं, बल्कि इस ईविल ने सभी को बेवकूफ बना के उन सभी में से किसी एक को पोजेस करना चाहा। बस तभी से ये डॉल वॉरेंस के अकल्ट म्यूजियम में है, जिसको हर रोज 2 बार प्रेयर्स के जरिए पवित्र किया जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि इस डॉल के ऊपर जो कोई भी ईविल है, वो बस उसी दिन का इंतजार कर रहा है कि कोई इसको बाहर निकाले। 1971 में वॉरेंस ने इन्वेस्टिगेट किया था हैरिसविल रोड आइलैंड के एक घर को, जहां पर पैरन फैमिली रहा करती थी। पैरन फैमिली का कहना था कि यहां पर कई सारी स्पिरिट्स उनको डराती हैं। इस केस को आज सारी दुनिया द कॉन्जरिंग 1 मूवी के नाम से भी जानती है। पैरन फैमिली को इस घर में अजीब सी आवाजें, मांस सड़ने की बदबू आती रहती थी। मोस्टली स्पिरिट्स इस घर में उनको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन एक ऐसी डार्क स्पिरिट थी जिसने बाकी सभी स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रखा था, और उस विच स्पिरिट का नाम था बैथशीबा शर्मन, जिसने मरने से पहले इस जमीन पर कर्स दिया था कि जो भी यहाँ पर आएगा उसकी मौत हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। पड़ोसियों ने खुद को मार लिया, कुछ लोगों ने लेक में डूब कर जान दे दी। पैरन फैमिली की 5 लड़कियों में से एक ने बताया कि घर में एक्चुअल में ऐसा हुआ करता था। ये एक रियल इंटरव्यू के तहत बात चल रही है। चलते चलते किसी को भी धक्का लग जाना, एक भयानक रूह का दिखना। हालांकि फिल्म से कुछ अलग चीजें हुई हैं कि वॉरेंस को वहां से बाहर निकाल दिया गया था, और कुछ समय बाद खुद ही रुक गई। लेटर ऑन बेटियों की मां की तबीयत खराब हो गई थी और हॉस्पिटल में उसको एडमिट करके कहीं और मूव करना पड़ा। फैमिली कहती है कि हॉन्टिंग रियल थी, लेकिन सच तो बस अब पैरेंट फैमिली वॉरेंस या बैथशीबा ही जानती है। लोरेन इस घर में जाने से हमेशा डरती थी। इस एमिटेविल हॉरर सीन को कॉन्जरिंग 2 में शुरू के सीन में भी दिखाया गया था, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी शॉट गन से अपने पूरे परिवार को मार दिया, कारण कि शैतानी आवाज ने उससे ऐसा करने को कहा था। 13 नवंबर की रात 1974 में रोनल्ड डेफियो जूनियर ने अपने 6 फैमिली मेंबर्स को रात 3:15 पर सबको गोली मार दी थी। उसके बाद 1975 में एक कपल जॉर्ज और केथी ल्यूट्स अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर रहने आए, लेकिन मात्र 28 दिनों में ही उन्होंने ये घर छोड़ दिया। उनका कहना था कि उन्होंने वहाँ पर रहते हुए कुछ पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल महसूस किया है। हालांकि इस बारे में कई लोगों ने और रिसर्चर्स ने वॉरेंस को एक होक्स बताया कि ये उनकी बुनी बनाई कहानियां हैं, पर असल में क्या है ये रास्ता वॉरेंस के साथ ही चला गया। 1977 में हुआ था एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट, जो कि कॉन्जरिंग 2 में दिखाया गया। नॉर्थ लंदन में एक फैमिली को पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी ने काफी डराया। हालांकि लोग ये कहते हैं कि लॉरेंस का उतना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं था जितना मूवी में दिखाया गया था, पर लोरेन यहाँ पर सभी बातों का खंडन करते हुए ये कहती हैं कि उन्होंने इस केस में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। आपको कॉन्जरिंग 2 का लास्ट का सीन याद होगा, जहां पर बिजली कड़क के वहां पर एक पेड़ के 2 टुकड़े हो गए थे। तो लोरेन का यहां पर ये कहना था कि असलियत में वहां पर कोई भी मौसम खराब नहीं था और उनकी आंखों के सामने ही पेड़ 2 हिस्सों में कट गया था। अब इस केस की तहकीकात को करने के लिए वॉरेंस से पहले वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि घर के अंदर उन्होंने चेयर को लेविटेट होते हुए देखा है। और बात करें आस पड़ोस की, तो कम से कम 30 लोगों ने ये सब देखा था कि घर में चीजें इधर से उधर अपने आप लेविटेट करती थी। घर की छोटी बच्ची भी खुद पे खुद लेविटेट हो रही थी। 1981 में वॉरेंस ने एक ऐसा केस इन्वेस्टिगेट किया, जहां पर आर्नी जॉनसन के फियांसे के छोटे भाई को डीमन ने पोजेस कर लिया था। वॉरेंस ने वो देखा और एक्सॉर्सिज्म किया, और काफी हद तक डीमन कमजोर हो गया था, पर यहाँ पर आर्नी ने डीमन के सामने ये कह दिया कि इसको छोड़ के मुझे पोजेस कर लो। और कुछ ही देर बाद जब आर्नी से बात की गई तो वो बिल्कुल एक अलग ही पर्सन बन चुका था, और इसके चलते आर्नी ने अपने लैंडलॉर्ड को भी जान से मार दिया था सिर्फ एक वर्बल फाइट के दौरान, जिससे उसको 5 साल की कैद से गुजरना भी पड़ा था। इस केस को 1983 की किताब द डीवल इन कनेक्टिकट में लिखा गया है, जिसको गैरल्ट ब्रिटल ने लिखा है, और यह स्टोरी कॉन्जरिंग 3 का टॉपिक भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि यह स्टोरी बढ़िया होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
पेंसिल्वेनिया में रहने वाले जैक और जैनेट स्मॉल ने वॉरेंस को रिपोर्ट किया था कि घर के अंदर कुछ डिस्टर्बिंग सुपर नेचुरल फिनोमेना है, बदबू आती है और डरावने विजन्स दिखते हैं। वॉरेंस ने घर को चेक किया और बताया कि घर के अंदर चार स्पिरिट्स और एक डीमन का वास है जिसने जैनेट और जैक दोनों को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। स्मॉल्स की कहानी 1986 में आए पेपर बैग में थी जिसका नाम था हॉन्टेड। 1991 में वॉरेंस की आई बुक द वेयरवुल्फ में उन्होंने इस केस को लिखा है कि कैसे उन्होंने एक डीमन का एग्जॉर्सिज्म किया था जो कि खुद को वेयरवुल्फ बताता था। अब एक और केस है यूनियन सिमेट्री का, जहां पर इस केस में कनेक्टिकट में एक कब्रिस्तान में एड 7 दिन तक रुके थे क्योंकि लोगों का कहना था कि यहां कुछ सुपर नेचुरल है। तो वहां पर उनको एक व्हाइट लेडी का घोस्ट भी दिखा था, जहां पर घोस्ट ने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करके ये इमेज बनाई थी जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण करना तो काफी मुश्किल है और ये सब ट्रस्ट करने वाली बातें हैं। हालांकि कई लोगों ने वॉरेंस को होक्स और फेक बताया है, तो आप सभी को क्या लगता है कि क्या कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है इतनी सारी हॉन्टिंग्स को लेकर? क्योंकि ये सब चीजें फॉरेन कंट्रीज में कुछ ज्यादा ही होती हैं, इंडिया में अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत ही वो वायरल हो जाता है। मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ स्पिरिट तो होती हैं और मैं वॉरेंस की रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि अगर शायद वो नहीं होते तो ना तो कॉन्जरिंग यूनिवर्स बनता और ना ही ऑकल्ट म्यूजियम होता। एड एंड लॉरेन के मरने के बाद अब ये सारा काम उनके सन इन लॉ ही करेंगे। ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कंटेंट अच्छा लगा तो घोस्ट सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्ट